मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता में लाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती को भाजपा ने इस चुनाव में कोई काम नहीं दिया है। भाजपा की चुनाव प्रचार सामग्री से भी उमा भारती के फोटो तक गायब हैं। उमा भारती के करीबी बताते हैं कि पार्टी में अपनी अपेक्षा से उमा भारती नाराज हैं। बीच चुनाव में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती अपनी ही पार्टी के कामकाज को लेकर हिमालय में जाकर आत्मचिंतन करेंगी। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की। लिखा है कि प्रदेश में 2003 से अभी तक 1.5 साल को छोड़कर हमारी भाजपा सरकार रही। लोगों के जिन सपनों को पूरा करने के लिए भाजपा ने कांग्रेस को 20 साल पहले ध्वस्त किया था, वे सपने कितने पूरे हुए उस पर कुछ दिन हिमालय में बद्री केदार के दर्शन करते समय आत्मचिंतन करूंगी। उमा भारती ने कहा कि इस साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदर्श शराब नीति लाकर अभिनंदनीय कार्य किया। साथ ही उमा भारती ने भाजपा सरकार में रह गए अधूरे कार्य भी गिनाए हैं। लिखा है कि गौ संवर्धन गौ रक्षण के उपाय संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। धार भोजशाला की सरस्वती माई राज्य और केंद्र में हमारी सरकार होते हुए भी अपनी गद्दी पर वापस नहीं लौट सकी। रायसेन के सोमेश्वर एवं विदिशा की विजया देवी के मंदिर के पट नहीं खुल सके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान को देखने के लिए बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित हुए। शिवराज सिंह चौहान ने बख्तरा बुदनी और अपनी विधानसभा के कई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आमजन को कहा कि अपने काम से मैंने आपका मान सम्मान और शान पूरे मध्य प्रदेश देश और दुनिया में बढ़ाया है। इसी धरती माँ के आशीर्वाद के कारण आज इतने ऊपर पहुंचकर काम कर रहा हूँ। अगर सच्चे मन से मैंने आपकी सेवा की है तो मुझे आपका एक तरफा आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने आपका मान सम्मान बढ़ाया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने बहनों का जीवन बदला है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को गांव के बुजुर्गों ने चुनाव लड़ने के लिए सहयोग राशि भी प्रदान की। लेकिन एक बात मैं कहूं कि अपने काम से मैंने आपका मान सम्मान और शान पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में बढ़ाई है, दुनिया में भी बढ़ाई। आज मैं फिर इतना आपको कहता हूं मेरे बहन और भाइयों, अगर सच्चे मन से मैंने आपकी सेवा की है तो मुझे आपका एक तरफा आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने आपका मान और सम्मान बढ़ाया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने बहनों का जीवन बदला है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने बेटियों की पूजा शुरू करके उनके भविष्य को बेहतर बनाया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर खेतों में पानी पहुंचाया है, गांव में सड़कें बनाई है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और अगर दुख और दर्द में मैं काम आया हूँ तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा के तीनों प्रत्याशियों चितरंगी से राधा सिंह, देवसर से राजेंद्र मेश्राम और सिंगरौली से रामनिवास शाह के लिए वोट मांगे। कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा नेताओं के साथ रैली के रूप में शहर में कुछ दूर भ्रमण किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग भगवान राम और रामायण को काल्पनिक कहा करते थे, अब मंदिर मंदिर घूमते फिर रहे हैं। अरे तुमने और तुम्हारी सोनिया आंटी ने 22 वकीलों को खड़ा किया था कोर्ट में और कहा था राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो काल्पनिक है। रामचरितमानस काल्पनिक है, उपन्यास है ये, तुमने कहा कि नहीं कहा कोर्ट में? तुमने 70 साल के देश को लूटा है, बहुत पाप किया है। राम को राम नहीं माना, कृष्ण को कृष्ण नहीं माना, हनुमान को हनुमान नहीं माना। उन्होंने मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार बनने की भविष्यवाणी की और अपने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि ये हमारा नेतृत्व और विधायक दल तय करता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राज्यों में चुनाव हो, पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक सरी की नीति रखी है कि कहीं पर भी स्थानीय व्यक्ति को आगे नहीं किया, सब दूर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, ये हमारी पॉलिसी है। इससे आप कुछ भी गुना भाग लगाएं पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जब बहुमत आएगा, विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुनेंगे विधिवत, फिर पार्टी की हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, वो उसमें नाम जाएगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा ये पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक तय,
नशे को लेकर। इससे पूर्व भाजपा के तीनों प्रत्याशियों चितरंगी से राधा सिंह, देवसर राजेंद्र मेश्राम और सिंगरौली से राम निवास शाह ने अपने नामांकन दाखिल किए। प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं जहां भी जा रहा हूं सिर्फ एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, लाडली बहना, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, सिर्फ यही चर्चा सारे मध्य प्रदेश में है। और आने वाले समय में दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छतरपुर के महाराजपुर विधानसभा में आप पार्टी के प्रत्याशी रामजी पटेल के समर्थन में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने रोड शो किया। मान ने छतरपुर के 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म भरवाते हुए रोड शो करने के बाद आम सभा को संबोधित किया। मान के रोड शो के लिए नौगांव, छतरपुर और बिजावर में काफी भीड़ रही। मान ने एमपी के करप्शन के साथ नोट गिनने की मशीन की भी चर्चा की। और सबसे ज्यादा दुखी करने वाली बात उसके घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। आप बता दीजिए आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? जब नोट ही नहीं है तो मशीन का क्या करना है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंग नहर को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी सिंचाई विभाग हर साल दशहरे से दिवाली तक मेंटेनेंस के लिए नहर को बंद करता है। विभाग ने भीमगोड़ा बैराज से नहर का पानी रोक दिया है। उत्तराखंड गंग नहर जल विहीन को जाने से दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर पेयजल संकट खड़ा हो सकता है। वहीं पश्चिमी यूपी में खेती की सिंचाई भी प्रभावित होगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेयजल संकट ना हो उसके लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। वहीं इस समय कृषि में पानी की मांग कम है, इसलिए किसानों को ज्यादा समस्या नहीं होगी। मध्यरात्रि से हमारी जो गंगा नहर है ये भीमगोड़ा बैराज से आज बंद होगी और 11-12 नवंबर की मध्यरात्रि तक बंद जाएगी, 11 की रात को बंद जाएगी। तो इसमें जो भी हमारे आवश्यक कार्य होते हैं बुरी गंगा नहर के, इसमें काफ़ी जो भी मरम्मत संबंध कार्य हैं और जो इंटरनल सेक्शन में हमारे वर्क होते हैं जो नहरबंदी में भी संभव हैं तो वो सारे कराए जाएंगे। और हम हर की पैड़ी पे जो भी श्रद्धालु के स्नान के लिए जितना भी आवश्यक जल होगा उसको उपलब्ध कराएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।